आप सबकी खिदमत में मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं हूं शेफ फिलिप और आज हम बनाने जा रहे हैं बर्गर, जिंगर बर्गर। आज की रेसिपी जो है वो बिल्कुल ही फ्यूजन किस्म की रेसिपी होगी। जिंगर आपने खाए होंगे, लेकिन आज जो बर्गर बनाने जा रहा हूं उसके अंदर तो जिंगर होगा, लेकिन जो इसका बर्गर का होगा वो स्टफ हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो इसलिए इसको मैंने फ्यूजन जिंगर बर्गर का नाम दिया है। तो आइए, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चिकन का थाई चाहिए होगा, इस तरह मैंने थाई करके रखा हुआ है, दो अदर थाई हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में हम सबसे पहले डालेंगे गार्लिक, ये फ्रेश गार्लिक है, आप इसमें गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। उसी तरह ये जिंजर है, फ्रेश जिंजर, जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं आप। इसके साथ हम हाफ टी स्पून डालेंगे वाइट पेपर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और एक टी स्पून हम डालेंगे इसके अंदर विनेगर। ये विनेगर आ गया, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसकी मैरिनेशन आप अगर ओवरनाइट करके रख देंगे तो ज़्यादा टेस्ट बनेगा, क्योंकि हमने अभी इसको इस तरह यूज़ कर लेंगे तो हम तकरीबन इसका एक घंटे के लिए इसको मैरिनेशन करके छोड़ देंगे। ये मैरिनेशन इसकी हो गई है तो हम इसको एक घंटे के बाद इसको खोल के हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें अब नमक डालेंगे, अगर आपके पास ब्लैक पेपर है तो ब्लैक पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेशन हो चुका है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि चिकन बहुत अच्छा मैरिनेशन हुआ है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, कम से कम अगर आप इसको ओवरनाइट रखें तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा इसका। तो वरना आपने अगर जिस तरह की कंडीशन हो आप जल्दी इस्तेमाल करना चाहें तो कम से कम एक घंटा इसको लाजमी रखिए। तो मैं इस चिकन को एक घंटे की मैरिनेशन लगा के छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है जी मैदा है और कॉर्नफ्लोर है। तो अब हम इसका चिकन जो मैरिनेशन किया हुआ था वो मैरिनेशन मैंने निकाल ली है। तो अब हमें इसको मैरिनेशन बनाकर इसकी कोटिंग करनी है, तो यही इसका जिंगर बनेगा। तो इसमें हम डालेंगे एक टीस्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर अगर नहीं डालना चाहते हो आप पपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून वाइट पेपर, एक टीस्पून इसमें डालेंगे हम चिकन पाउडर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने चिकन को इसके अंदर इस तरह से डिप करके डस्ट करना है, इस तरह यू अच्छी तरह से डस्ट करने के बाद इसको पानी में हमने डिप करके दोबारा से इसको डस्ट करना है। इसको पानी में हम यूं एक ही दफा डुबकी लगा के निकाल लेंगे। अब फिर दोबारा से आप इसमें डस्टिंग अपने में ले आइए। अब इसको हल्का हल्का आपने मसलना है यूं करके आपने इसको अच्छी तरह से। ये इस तरह से जिंगर बनना शुरू हो जाएगा। तो ऑयल इसको आपने हमने गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब ये हमारा दूसरा थाई भी हमने डस्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप देखें कि बर्गर जो जिंगर है वो उसकी शेप बन चुकी है। अब दोनों पीसेस हैं, हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी है। इसका टेम्परेचर आपने जिंगर के लिए बिल्कुल आपने सेट रखना है 155 से लेकर 160 तक इसका टेम्परेचर होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो ये आपका चिकन जो है ना वो ख़राब हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। के अंदर डाल देते हैं, ये देखिए इसका दूसरा पीस भी डालेंगे। तो
अब हम इसकी सॉस को चेंज करेंगे, क्रिस्पी हो चुका है और थोड़ा सा कलर और आएगा तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। क्रिस्पी हो गया, हम इसकी सॉस चेंज कर दिए, थोड़ी हम इसको पकाएंगे ताकि कलर आ जाए और अंदर से भी दूसरी साइड भी कुक हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसकी सॉस को चेंज करेंगे, इसका कलर आ चुका है और इसका भी कलर आ चुका है, हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे उसके बाद उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा जो कलर हम चाह रहे थे वो आ चुका है दोनों साइडों के, अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, इसको भी हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमारे पास तीन बर्गर है, आप बर्गर इस शेप में भी ले सकते हैं और राउंड वाली शेप में ले सकते हैं। तो मेरे पास ये बर्गर हैं, हम इसको थोड़ा सा किसी चीज़ पे तवे पे रख के या ग्रिल पे जो भी आपके पास है इसको थोड़ा सा वार्म कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको स्टफ करने का प्रोसेस शुरू करेंगे। इस तरह से दरमियान से हम रख के इसको काट लेंगे, इस तरह दो हिस्से हो जाएंगे, इस तरह दूसरे को भी, ये भी कट गया, इस तरह तीसरा भी। अब हम इसको, मेरे पास तवा है तो मैं इसको हल्का सा वार्म कर लूँगा तवे पे, इस तरह से हल्का सा ऑयल डालेंगे ऑयल तवे के ऊपर जियो, पहले हम एक को गर्म करिए, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह चौथे को और जियो, हल्का सा इसको वार्म करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी स्टफिंग शुरू करेंगे। इस तरह से ये हल्का सा कलर आ गया, हम इसको निकाल लेंगे, तवे के ऊपर से उतारेंगे। यहाँ पे आप मायनीज लगाना चाह रहे हैं या फिर कोई अपनी सॉस बना के लगाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, कैचअप लगाना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लगा दूँगा इस तरह से। फिर इसके ऊपर यहाँ से, मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि ये इसकी स्टफिंग जो चिकन हम इस्तेमाल करेंगे जिंगर होगा, लेकिन इसकी जो बाकी होगा वो प्रोसेस होगा फ्यूजन किस्म का होगा बर्गर, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जिंगर वो ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो स्टफिंग है वो मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। अब हम, एक हिस्सा हमारा रेडी हो गया, यहाँ पे चिकन लेंगे, इसको काटेंगे, क्रिस्पी बहुत अच्छा बना है। इसकी आवाज़ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त है और क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बना है। यहाँ पे एक, दो और ये तीन, ये हमारा जिंगर रख दिया है इसके ऊपर। इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर, दो अदर टमाटर रखना चाहें दो रखें, तीन अदर रखना चाहें तो तीन रखें। सबसे ऊपर हम रखेंगे इसके ऊपर कैबेज जूलियन कटी हुई इस तरह से, और इसी तरह से थोड़ी सी कैरेट रखेंगे जूलियन कटी हुई इस तरह से। अब इसके ऊपर भी हम अगर लगाना चाहें तो चिली गार्लिक सॉस हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस यूं करके हम लगा देंगे। फिर हम इसके ऊपर एक और लेयर सलाद पत्ते की लगा देंगे। चिकन के साथ वेजिटेबल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा और फ्यूजन किस्म का आपका बर्गर बनेगा, ये आप अपने बच्चों को लंच भी बना के दे सकते हैं। अब जो ब्रेड का दूसरा हिस्सा है बर्गर का, हम उसको उसके साथ बंद कर देंगे और हल्का सा पुश करेंगे।
आज का हमारा फ्यूजन जिंगर बर्गर रेडी है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो को देखने के लिए चैनल पे जो बेल आइकॉन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। अब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।